9 नवंबर ही वो तारीख थी जब बर्लिन की दीवार गिरी थी दो विपरीत धाराओं ने एकजुट होकर नया संकल्प लिया था आज 9 नवंबर को करतारपुर साहिब कॉरिडोर की शुरुआत हुई है इसमें भारत का भी सहयोग रहा है पाकिस्तान का भी आज अयोध्या पर फैसले के साथ ही 9 नवंबर की यह तारीख हमें साथ रहकर आगे बढ़ने की सीख भी दे रही है आज के दिन का संदेश जोड़ने का है जुड़ने का है और मिलकर जीने का है इस विषय को इन सारी बातों को लेकर कहीं भी कभी भी किसी के मन में कोई कटुता रही हो तो आज उसे तिलांजलि देने का भी दिन है नए भारत में भय कटुता नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए साथियों सर्वोच्च न्यायालय के आज के फैसले ने देश को ये संदेश भी दिया है कि कठिन से कठिन मसले का हल संविधान के दायरे में ही आता है कानून के दायरे में ही आता है हमें इस फैसले से सीख लेनी चाहिए कि भले ही कुछ समय लगे लेकिन फिर भी धैर्य बनाकर रखना ही सर्वोचित है हर परिस्थिति में भारत के संविधान भारत की न्यायिक प्रणाली ये हमारी महान परंपरा उस पर हमारा विश्वास अड़िग रहे ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों सर्वोच्च अदालत का यह फैसला हमारे लिए एक नया सवेरा लेकर के आया है इस विवाद का भले ही कई पीढ़ियों पर असर पड़ा हो लेकिन इस फैसले के बाद हमें यह संकल्प करना होगा कि अब नई पीढ़ी नए सरे से न्यू इंडिया के निर्माण में जुटेगी आइए एक नई शुरुआत करते हैं अब नए भारत का निर्माण करते हैं हमें अपना विश्वास और विकास इस बात से तय करना है कि मेरे साथ चलने वाला कहीं पीछे तो नहीं छूट रहा हमें सबको साथ लेकर सबका विकास करते हुए सबका विश्वास हासिल करते हुए आगे ही आगे बढ़ते ही जाना है साथियों राम मंदिर के निर्माण का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है अब देश के हर नागरिक पर राष्ट्र निर्माण की जवाबदारी और बढ़ गई है इसके साथ ही एक नागरिक के तौर पर हम सभी के लिए देश की न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना नियम कायदों का सम्मान करना ये दायित्व भी पहले से अधिक बढ़ गया है अब समाज के नाते हर भारतीय को अपने कर्तव्य अपने दायित्व को प्राथमिकता देते हुए काम करना हमारे लिए उज्जवल भविष्य के लिए बहुत अनिवार्य है हमारे बीच का सौहार्द हमारी एकता हमारी शांति हमारा सद्भाव हमारा स्नेह देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है हमें भविष्य की ओर देखना है भविष्य के भारत के लिए काम करते रहना है भारत के सामने चुनौतियां और भी हैं लक्ष्य और भी हैं मंजिलें और भी हैं। हर भारतीय साथ मिलकर साथ चलकर ही इन लक्ष्यों को प्राप्त करेगा मंजिलों तक पहुंचेगा मैं फिर एक बार आज 9 नव नवंबर के इस महत्वपूर्ण दिन को याद करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लेते हुए आप सबको आने वाले त्योहारों की कल ईद का बड़ा पवित्र त्योहार है उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं धन्यवाद नौ नवंबर ही वो तारीख थी जब बर्लिन की दीवार गिरी थी दो विपरीत धाराओं ने एकजुट होकर नया संकल्प लिया था आज 9 नवंबर को करतारपुर साहिब कॉरिडोर की शुरुआत हुई है इसमें भारत का भी सहयोग रहा है पाकिस्तान का भी आज अयोध्या पर फैसले के साथ ही 9 नवंबर की यह तारीख हमें साथ रहकर आगे बढ़ने की सीख भी दे रही है आज के दिन का संदेश जोड़ने का है जुड़ने का है और मिलकर जीने का है इस विषय को इन सारी बातों को लेकर कहीं भी कभी भी किसी के मन में कोई कटुता रही हो तो आज उसे तिलांजलि देने का भी दिन है नए भारत में भाई कटुता नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए साथियों सर्वोच्च न्यायालय के आज के फैसले ने देश को ये संदेश भी दिया है कि कठिन से कठिन मसले का हल संविधान के दायरे में ही आता है कानून के दायरे में ही आता है हमें इस फैसले से सीख लेनी चाहिए कि भले ही कुछ समय लगे लेकिन फिर भी धैर्य बनाकर रखना ही सर्वोचित है हर परिस्थिति में भारत के संविधान भारत की न्यायिक प्रणाली यह हमारी महान परंपरा उस पर हमारा विश्वास अड़िग रहे ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों सर्वोच्च अदालत का यह फैसला हमारे लिए एक नया सवेरा लेकर के आया है इस विवाद का भले ही कई पीढ़ियों पर असर पड़ा हो लेकिन इस फैसले के बाद हमें यह संकल्प करना होगा कि अब नई पीढ़ी नए सरे से न्यू इंडिया के निर्माण में जुटेगी आइए एक नई शुरुआत करते हैं अब नए भारत का निर्माण करते हैं हमें अपना विश्वास और विकास इस बात से तय करना है कि मेरे साथ चलने वाला कहीं पीछे तो नहीं छूट रहा हमें सबको साथ लेकर सबका विकास करते हुए सबका विश्वास हासिल करते हुए आगे ही आगे बढ़ते ही जाना है साथियों राम मंदिर के निर्माण का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है अब देश के हर नागरिक पर राष्ट्र निर्माण की जवाबदारी और बढ़ गई है इसके साथ ही एक नागरिक के तौर पर हम सभी के लिए देश की न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना नियम कायदों का सम्मान करना ये दायित्व भी पहले से अधिक बढ़ गया है अब समाज के नाते हर भारतीय को अपने कर्तव्य अपने दायित्व को प्राथमिकता देते हुए काम करना हमारे लिए उज्जवल भविष्य के लिए बहुत अनिवार्य है हमारे बीच का सौहार्द हमारी एकता हमारी शांति हमारा सद्भाव, हमारा स्नेह देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है हमें भविष्य की ओर देखना है भविष्य के भारत के लिए काम करते रहना है भारत के सामने चुनौतियां और भी हैं लक्ष्य और भी हैं मंजिलें और भी हैं हर भारतीय साथ मिलकर साथ चलकर ही इन लक्ष्यों को प्राप्त करेगा मंजिलों तक पहुंचेगा मैं फिर एक बार आज नौ नवंबर के इस महत्वपूर्ण दिन को याद करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लेते हुए आप सबको आने वाले त्योहारों की कल ईद का बड़ा पवित्र त्योहार है उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं धन्यवाद नौ नवंबर ही वो तारीख थी जब बर्लिन की दीवार गिरी थी दो विपरीत धाराओं ने एकजुट होकर नया संकल्प लिया था आज 9 नवंबर को करतारपुर साहिब कॉरिडोर की शुरुआत हुई है इसमें भारत का भी सहयोग रहा है पाकिस्तान का भी आज अयोध्या पर फैसले के साथ ही 9 नवंबर की यह तारीख हमें साथ रहकर आगे बढ़ने की सीख भी दे रही है आज के दिन का संदेश जोड़ने का है जुड़ने का है और मिलकर जीने का है इस विषय को इन सारी बातों को लेकर कहीं भी कभी भी किसी के मन में कोई कटुता रही हो तो आज उसे तिलांजलि देने का भी दिन है नए भारत में भाई कटुता नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए साथियों सर्वोच्च न्यायालय के आज के फैसले ने देश को ये संदेश भी दिया है कि कठिन से कठिन मसले का हल संविधान के दायरे में ही आता है कानून के दायरे में ही आता है हमें इस फैसले से सीख लेनी चाहिए कि भले ही कुछ समय लगे लेकिन फिर भी धैर्य बनाकर रखना ही सर्वोचित है हर परिस्थिति में भारत के संविधान भारत की न्यायिक प्रणाली यह हमारी महान परंपरा उस पर हमारा विश्वास अड़िग रहे ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों सर्वोच्च अदालत का यह फैसला हमारे लिए एक नया सवेरा लेकर के आया है इस विवाद का भले ही कई पीढ़ियों पर असर पड़ा हो लेकिन इस फैसले के बाद हमें यह संकल्प करना होगा कि अब नई पीढ़ी नए सरे से न्यू इंडिया के निर्माण में जुटेगी आइए एक नई शुरुआत करते हैं अब नए भारत का निर्माण करते हैं हमें अपना विश्वास और विकास इस बात से तय करना है कि मेरे साथ चलने वाला कहीं पीछे तो नहीं छूट रहा हमें सबको साथ लेकर सबका विकास करते हुए सबका विश्वास हासिल करते हुए आगे ही आगे बढ़ते ही जाना है साथियों राम मंदिर के निर्माण का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है अब देश के हर नागरिक पर राष्ट्र निर्माण की जवाबदारी और बढ़ गई है इसके साथ ही एक नागरिक के तौर पर हम सभी के लिए देश की न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना नियम कायदों का सम्मान करना ये दायित्व भी पहले से अधिक बढ़ गया है अब समाज के नाते हर भारतीय को अपने कर्तव्य अपने दायित्व को प्राथमिकता देते हुए काम करना हमारे लिए उज्जवल भविष्य के लिए बहुत अनिवार्य है हमारे बीच का सौहार्द हमारी एकता हमारी शांति हमारा सद्भाव, हमारा स्नेह देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है हमें भविष्य की ओर देखना है भविष्य के भारत के लिए काम करते रहना है भारत के सामने चुनौतियां और भी हैं लक्ष्य और भी हैं मंजिलें और भी हैं हर भारतीय साथ मिलकर साथ चलकर ही इन लक्ष्यों को प्राप्त करेगा मंजिलों तक पहुंचेगा मैं फिर एक बार आज 9 नवंबर के इस महत्वपूर्ण दिन को याद करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लेते हुए आप सबको आने वाले त्योहारों की कल ईद का बड़ा पवित्र त्योहार है उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं धन्यवाद नौ नवंबर ही वो तारीख थी जब बर्लिन की दीवार गिरी थी दो विपरीत धाराओं ने एकजुट होकर नया संकल्प लिया था आज 9 नवंबर को करतारपुर साहिब कॉरिडोर की शुरुआत हुई है इसमें भारत का भी सहयोग रहा है पाकिस्तान का भी आज अयोध्या पर फैसले के साथ ही 9 नवंबर की यह तारीख हमें साथ रहकर आगे बढ़ने की सीख भी दे रही है आज के दिन का संदेश जोड़ने का है जुड़ने का है और मिलकर जीने का है इस विषय को इन सारी बातों को लेकर कहीं भी कभी भी किसी के मन में कोई कटुता रही हो तो आज उसे तिलांजलि देने का भी दिन है नए भारत में भाई कटुता नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए साथियों सर्वोच्च न्यायालय के आज के फैसले ने देश को ये संदेश भी दिया है कि कठिन से कठिन मसले का हल संविधान के दायरे में ही आता है कानून के दायरे में ही आता है हमें इस फैसले से सीख लेनी चाहिए कि भले ही कुछ समय लगे लेकिन फिर भी धैर्य बनाकर रखना ही सर्वोचित है हर परिस्थिति में भारत के संविधान भारत की न्यायिक प्रणाली यह हमारी महान परंपरा उस पर हमारा विश्वास अड़िग रहे ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों सर्वोच्च अदालत का यह फैसला हमारे लिए एक नया सवेरा लेकर के आया है इस विवाद का भले ही कई पीढ़ियों पर असर पड़ा हो लेकिन इस फैसले के बाद हमें यह संकल्प करना होगा कि अब नई पीढ़ी नए सरे से न्यू इंडिया के निर्माण में जुटेगी आइए एक नई शुरुआत करते हैं अब नए भारत का निर्माण करते हैं हमें अपना विश्वास और विकास इस बात से तय करना है कि मेरे साथ चलने वाला कहीं पीछे तो नहीं छूट रहा हमें सबको साथ लेकर सबका विकास करते हुए सबका विश्वास हासिल करते हुए आगे ही आगे बढ़ते ही जाना है साथियों राम मंदिर के निर्माण का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है अब देश के हर नागरिक पर राष्ट्र निर्माण की जवाबदारी और बढ़ गई है इसके साथ ही एक नागरिक के तौर पर हम सभी के लिए देश की न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना नियम कायदों का सम्मान करना ये दायित्व भी पहले से अधिक बढ़ गया है अब समाज के नाते हर भारतीय को अपने कर्तव्य अपने दायित्व को प्राथमिकता देते हुए काम करना हमारे लिए उज्जवल भविष्य के लिए बहुत अनिवार्य है हमारे बीच का सौहार्द हमारी एकता हमारी शांति हमारा सद्भाव हमारा स्नेह देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है हमें भविष्य की ओर देखना है भविष्य के भारत के लिए काम करते रहना है भारत के सामने चुनौतियां और भी है लक्ष्य और भी है मंजिलें और भी है हर भारतीय साथ मिलकर साथ चलकर ही इन लक्ष्यों को प्राप्त करेगा मंजिलों तक पहुंचेगा मैं फिर एक बार आज 9 नवंबर के इस महत्वपूर्ण दिन को याद करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लेते हुए आप सबको आने वाले त्योहारों की कल ईद का बड़ा पवित्र त्योहार है उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं धन्यवाद